Hello Jean, Namaskar, good afternoon, Salam, Sasriyakal. I wish you a very warm welcome to this wonderful platform which is Unacademy, which is unbeatable, which is unstoppable. India ki behtareen team, India ke behtareen students ke saamne hai. So team mein kaun kaun hai ji? Main hu, Dr. Sachin Kapoor. You have the magician of chemistry, Ashwini Tyagi sir. And Namo sir, the one who makes physics magical, right? And aapke apne Mahendra Bahubali, that is MSD sir, right ji? Okay, so dekhte hain kaun kaun log jud chuke hain jis samay hamare saath aur kaun kaun apne pyare pyare likes bhej chuke hain mujhe. We have Dr. Arunesh. Arunesh ji, ab to aap regular hote ja rahe hain, plus pe bhi aap nazar aane lag gaye hain aajkal to. Animesh, Sandeep, Kaniz, Fatima, Richa, Saurav, Girish, Anshul, Priya, Faizan, Ramesh, Anita, Saida, Dimple, Nikesh, regular students mere, all my Raja Betas and Raja Betiyan, hamesha aapke liye yahi dua karta hoon upar wale se. आपको अपने मकसद में कामयाबी मिले, आपकी मेहनत सफल हो, जो दिन रात आप लगे हुए हैं इस सफर में, जल्दी से आपको आपकी मंजिल जो है वो हासिल हो और पॉजिटिव रिजल्ट आए. आपको इंडिया के बेहतरीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बेहतरीन रैंक के साथ एडमिशन मिले, जरूरी ये है, राइट? देखता हूं जी क्या है मेरे पास आज आपको पढ़ाने के लिए. उससे पहले प्लस का थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं. अनअकैडमी प्लस का ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपके लिए डिजाइंड है, आपका रैंक बूस्ट करने के लिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए. यू गेट मोर पर्सनलाइज्ड अटेंशन, आपको टीम के बेहतरीन लोगों के साथ मिलने का मौका मिलता है इसमें. आज हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए कुछ आपको ये प्रोसीजर दिख रहा है यहाँ पे. बोन रिपेयर, बोन फ्रैक्चर हुई है और आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से उस बोन को रिपेयर किया जा रहा है. सो चल रहा है जी हमारा चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जिसमें आज हम बोन की हिस्टोलॉजी के बारे में जिक्र करेंगे, बोन डिसऑर्डर्स फ्रैक्चर्स के बारे में भी जिक्र करेंगे. ठीक है राजा बेटा, राइट जी, आगे बढ़ू. अनुरेश, संदीप, अजय, नैन्सी, चलिए जी ज्यादा से ज्यादा लोगों को लिंक फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि जब तक हम आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके. टेलीग्राम का ये बेहतरीन ऐप आपके सेलफोन में होना जरूरी है, बिकॉज इसके जरिए आप हम लोगों से जुड़ते हैं और हम आपसे जुड़ते हैं. जितने भी लेक्चर्स होते हैं उनके पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर भेजे जाते हैं. प्लस के कोर्सेज का जिक्र करता हूं, आप देख लीजिए इसमें अक्टूबर बैच भी चल रहा है. मैं आपके लिए यहां पे पॉइंट आउट कर देता हूं, ये देखिए. नाउ आप में से जो बच्चे अभी नीट 2020 में अपीयर होंगे, उनके लिए इवन अगर आप 6 मंथ्स का भी कोर्स ज्वाइन करते हैं, 6 महीने भी बहुत होते हैं अगर आप संजीदा तरीके से एक मेहनत के साथ डेडिकेशन फोकस्ड होकर के 6 मंथ्स भी अगर आप प्रिपेयर करेंगे, तब भी आप ये एग्जाम अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं. ओके बेटा, अनअकैडमी का ये लर्निंग ऐप आपके सेलफोन में होना जरूरी है, और जब आप अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं, प्लस के सेक्शन में जाइए. प्लस के सेक्शन में जाने के बाद नीट वाले कॉलम में जाइए एंड गो टू द सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन बटन प्रेस करेंगे, नीट लाइव कोड यूज करना नहीं भूलेंगे. नीट लाइव कोड हमारी टीम की तरफ से आपके लिए एक बेहतरीन तोहफा है. आप ये कोड यूज करते हैं, आपको फी में डिस्काउंट मिलेगा. आप चाहे 6 मंथ सब्सक्रिप्शन लेना चाहें, आप 1 ईयर सब्सक्रिप्शन लेना चाहें, या फिर 2 ईयर, जो क्लास 11th में है उनके लिए 2 ईयर सब्सक्रिप्शन है. चलिए बेटा जी, कोटेशन क्या है मेरे पास आज आपके लिए. एवरी माउंटेन टॉप इज विद इन रीच इफ यू जस्ट कीप क्लाइंबिंग. किसी भी ऊंचाई तक आप पहुंच सकते हैं, बशर्ते आप चलना बंद ना करें. राइट जी, अगर आप सही रास्ते पर भी हैं और आप चल नहीं रहे, आप वहीं खड़े हैं, तो दूसरे आपको कुचल करके निकल जाएंगे आगे. सो अपनी स्पीड को बरकरार रहिए, ये बहुत जरूरी है कि जब आप आगे बढ़ना चाहते हैं जीवन में, तो आपको चलते रहना है, फोकस रखना है अपना, अपने गोल पे डेविएट नहीं होना है इधर उधर की बातों से. ह्यूमन स्केलेटन, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बोन का स्ट्रक्चर, बोन की हिस्टोलॉजी एंड बोन के डिसऑर्डर्स भी.
राइट एक बार नजर मारता हूं जी और कौन कौन जुड़ चुका है हमारे साथ. सबीहा, सामंथा, अनुराग, सुरभि, अलीशा, युक्ता, रमेश, रोहन, अनुराग, राहुल, शिवांगी, आशी, श्रेया, गोविंद, स्वाति, सूरज. ग्रेट, वंडरफुल. लाइक्स उसमें कमी नहीं आनी चाहिए. मैं देख रहा हूं स्क्रीन पे हमारे साथ लगभग 270 के करीब लोग जुड़ चुके हैं लेकिन मुझे लाइक्स उतने नजर आ नहीं रहे हैं. लगता अभी मजा नहीं आया आपको लेक्चर में. चलिए शुरू करते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ बोन, एक लॉन्ग बोन का जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर आपके सामने है. सभी हड्डियां ऐसी नहीं होती. एवरी बोन इज नॉट अ लॉन्ग बोन. ये हमने एक लॉन्ग बोन का जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर लिया है. एक लॉन्ग बोन में क्या क्या होता है? जो टर्मिनल एंड्स है बेटा उसे एपिफाइसिस कहा जाता है. प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस, डिस्टल एपिफाइसिस. जो बोन की मेन शाफ्ट होती है, द मेन शाफ्ट ऑफ द बोन इज कॉल्ड डायाफाइसिस. राइट, टर्मिनल हिस्से एपिफाइसिस, मेन शाफ्ट डायाफाइसिस. ये डायाफाइसिस और एपिफाइसिस को बीच में जोड़ने वाला जो हिस्सा है दैट इज कॉल्ड मेटाफाइसिस. डायाफाइसिस और एपिफाइसिस को जोड़ने वाला हिस्सा मेटाफाइसिस. बोन के टर्मिनल सिरों पर, टर्मिनल एंड पर कार्टिलेज होता है. उस कार्टिलेज को आर्टिक्यूलर कार्टिलेज कहते हैं. बोन के टर्मिनल हिस्सों पर, एंड पर, उसके सिरों पर एक कार्टिलेज प्रेजेंट है. हेलाइन कार्टिलेज है, दैट इज कॉल्ड आर्टिक्यूलर कार्टिलेज. बोन का जो मेन शाफ्ट होती है, मेन शाफ्ट को कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं. इट इज आल्सो कॉल्ड कॉम्पैक्ट बोन और डेंस बोन. जो टर्मिनल एंड्स हैं वहां वाले बोनी हिस्से को स्पॉन्जी बोन कहा जाता है. स्पॉन्जी बोन या सॉफ्ट बोन या कैंसलस बोन भी कह देते हैं. जो मेन शाफ्ट है उसको क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्ट बोन और द डेंस बोन. इंटरनल स्ट्रक्चर में डिफरेंस है. जब आप बोन का ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे, इफ यू लुक एट द कॉम्पैक्ट बोन रीजन यू विल गेट द हेवर्शियन सिस्टम, हेवर्शियन कैनाल्स. अगर आप टर्मिनल रीजन से काटेंगे जहां पे स्पॉन्जी बोन है वहां पे आपको हेवर्शियन कैनाल सिस्टम नहीं मिलेगा. राइट जी, ये एपिफाइसियल लाइन है. इसका भी जिक्र अभी करेंगे कि बोन जब टर्मिनल हिस्सों से लंबी होती है इस एपिफाइसियल रीजन में पहले कार्टिलेज होता है. वही कार्टिलेज जब ग्रो करके फिर बोन में बदल जाता है तो बोन की लंबाई बढ़नी रुक जाती है. फिर हाइट स्टॉप्स इंक्रीजिंग आफ्टर अ पर्टिकुलर एज. बोन का ट्रांसवर्स सेक्शन आप काटें तो आपको बीच में ये मेडुलरी कैविटी भी नजर आएगी. इसी मेडुलरी कैविटी के अंदर बोन मैरो होता है. नाउ दिस इज अ न्यूट्रिएंट फोरामेन. बोन को भी तो ब्लड सप्लाई चाहिए. बोन में जिस ओपनिंग के थ्रू ब्लड वेसल्स एंटर करती हैं दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट फोरामेन. ठीक है जी. नाउ मैं रफली आपको अब यहां पे बना के दिखाऊं कि जिस बोन का हम जिक्र कर रहे हैं अगर हम एक रफ रिप्रेजेंटेशन देखें तो वो किस प्रकार से होगा. मान लीजिए ये एक लॉन्ग बोन मैंने आपके लिए ड्रॉ करा. मैंने ये कहा कि बोन का जो मेन शाफ्ट होती है, दिस शाफ्ट ऑफ द बोन इज कॉल्ड डायाफाइसिस. इट इज डायाफाइसिस. इट इज कॉम्पैक्ट बोन और द डेंस बोन. राइट, जो टर्मिनल हिस्से होते हैं बोन के उसे एपिफाइसिस कहते हैं. This is epiphysis, proximal epiphysis. ऐसा ही epiphysis वाला हिस्सा ये नीचे वाला भी है. Diaphysis और epiphysis के बीच में metaphysis region होता है. This is metaphysis. इतना क्लियर हुआ आपको? ठीक है. बोन की सबसे जो बाहर वाली लेयर है that is what is called periosteum. So, periosteum में collagen fibers हैं. इसके अलावा osteoblast cells भी होते हैं. ये periosteum है. एक bone को अगर आप देखें तो ये main चीजें आपको नजर आएंगी. Clear है जी इतनी बात? Right? Sonia, Nancy, Muskan,
डैनियल ज्योति सुतानवी अनिवेश हम अभी जिक्र करेंगे बेटा हेवर्शियन कैनाल सिस्टम का भी जस्ट स्टे रिलैक्स्ड हेवर्शियन कैनाल सिस्टम आगे समझा रहा हूं सो बोन के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है मैंने आपको अभी बोन की शाफ्ट डायाफाइसिस बोन के टर्मिनल हिस्से ईपीफाइसिस और डायाफाइसिस को जोड़ता है आपस में मेटाफाइसिस जो ओपनिंग बोन में होती है दैट इज न्यूट्रिएंट फोरामेन जिसके थ्रू ब्लड वेसल्स अंदर एंटर करती हैं जैसा कि आपने यहां देखा बोन की कैविटी को मेडुलरी कैविटी कहते हैं जिसके अंदर बोन मैरो होता है बोन की आउटर मोस्ट लेयर पेरिओस्टियम है जिसमें कोलेजन फाइबर्स हैं एंड ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं देखते हैं बोन के बारे में क्या लिखा है बोन्स हैव अ हार्ड एंड नॉन प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंस व्हिच इज रिच इन कैल्शियम सॉल्ट ध्यान रखिएगा बोन में कैल्शियम बहुत ज्यादा मात्रा में होता है बोन इज द कैल्शियम डिपो इन द बॉडी हड्डियां हमें स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रही हैं मूवमेंट एंड लोकोमोशन के लिए हैं मसल्स हड्डियों के साथ जुड़े हुए हैं बोन्स में आप जानते हैं आरबीसीज भी बनते हैं इराइथ्रोपोएसिस जो है वो बोन मैरो में होता है नाउ अब अगली स्लाइड पे आप देखिए यहां पे आपको क्या दिखाया गया है लॉन्ग बोन्स ऑफ द लेग्स दे सर्व वेट बियरिंग फंक्शंस टांगों की जो हड्डियां हैं वो हमारे शरीर का भार संभाले हुए हैं दे ऑल्सो इंटरेक्ट विद स्केलेटल मसल्स एंड दे रिजल्ट इन द मूवमेंट मसल्स आर अटैच्ड टू बोन्स बाय टेंडन्स मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो मूवमेंट होता है बोन मैरो इन सम बोन्स इज द साइट फॉर द ब्लड सेल फॉर्मेशन एंड बोन इज द कैल्शियम डिपो ऑफ द बॉडी आप जानते हैं इराइथ्रोपोएसिस आरबीसी प्रोडक्शन एक एम्ब्रियो में योक सैक में शुरू होता है उसके बाद लिवर में और स्प्लीन में बोन मैरो में जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो बोन मैरो में आरबीसीज बनते हैं बोन मैरो दो प्रकार का होता है रेड बोन मैरो विच इज द एक्टिव बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो विच इज इनएक्टिव राइट जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ज्यादातर बोन मैरो इनएक्टिव होता जाता है एडल्ट्स के केस में रेड बोन मैरो सिलेक्टेड हड्डियों में ही पाया जाता है एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स में मिलेगा आपको स्टर्नम में है इसके अलावा वर्टिब्रे में होता है क्रेनियल बोन्स में है सो बाकी जगहों पे बोन मैरो इनएक्टिव होता जाता है जैसे जैसे एज बढ़ती है आरबीसी काउंट भी कम हो जाता है इधर देखिए इस बोन का अगर आप अंदर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो ये आपको स्पॉन्जी नजर आ रहा है स्पॉन्जी का मतलब ये नहीं है आप इसे हाथ लगाएंगे तो बड़ा नाजुक होगा स्पॉन्जी मतलब कि वो देखने में लगता है स्पॉन्ज जैसा खोखला सा नजर आता है अंदर से इतना हिस्सा मेटाफाइसिस है जब आप कॉम्पैक्ट बोन को देखेंगे सो वहां का इंटरनल जो डिजाइन है वो डिफरेंट है स्पॉन्जी बोन से वो हिस्सा डेंस है कॉम्पैक्ट है दिस इज द मेडुलरी कैविटी जहां पे की अंदर बोन मैरो भरा हुआ होता है अगली स्लाइड पे चलते हैं बेटा जी ना एक बोन के क्या क्या हिस्से हैं स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन में आप देखिए क्या क्या पार्ट्स हैं जिन चीजों का मैंने जिक्र करा वही यहां पे स्टेप बाय स्टेप लिखी हुई हैं सो देखिए वो क्या क्या हैं यू हैव डायाफाइसिस एपिफाइसिस मेटाफाइसिस आर्टिक्यूलर कार्टिलेज हेलाइन कार्टिलेज पेरिओस्टियम बताया मेडुलरी कैविटी एंड एंडोस्टियम वही चीजें यहां पे सब लेबल्ड हैं एक जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर आप समझे बोन का थैंक यू सो मच विशाल जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर आप समझे नहीं संदीप ऐसा नहीं होता कि ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी हो जाता है अनिमेश ने कहा बोन मैरो इनएक्टिव क्यों हो जाता है नाउ बेटा जैसे जैसे एज बढ़ती है ये एजिंग रिलेटेड चेंजेस हैं हमारे शरीर में जो है हर सेल टिश्यू एवरीथिंग अंडरगोज एजिंग सो ये नॉर्मल एजिंग रिलेटेड प्रोसेस है कि जन्म के बाद जैसे जैसे फिर एडल्टहुड तक आप पहुंचेंगे बोन मैरो इनएक्टिव होता जाता है उतने एक्सेस में आरबीसीज की जरूरत भी नहीं रह जाएगी आपको कैपिलरीज का नंबर भी तो बढ़ता जाता है राइट ठीक है जी जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं दबाया है वीडियो जल्दी से लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए आपकी तरफ से एनर्जी प्यार रिस्पेक्ट की कमी नहीं होनी चाहिए और हमारी तरफ से ये प्रॉमिस है कि आपको बेहतरीन शिक्षा टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट इस YouTube चैनल पर मिल रही है जो लोग प्लस के प्लेटफॉर्म पे आना चाहे मोस्ट वेलकम उनका पूरा सादर स्वागत है जो नहीं आ सकते किन्हीं भी कारणों से आप हमारे साथ हमारे चैनल पे जुड़े रहिए राइट जी क्वालिटी एजुकेशन ग्रेट आगे बढ़ते हैं नाउ डायाफाइसिस इज द बोन्स शाफ्ट ये बात मैंने आपको बताई शाफ्ट ऑफ द बोन इज कॉल्ड डायाफाइसिस साथ साथ याद कर लेते हैं
epiphyses are the proximal and distal ends. Proximal or distal end जो है, proximal हिस्सा वो होता है जो जुड़ा हुआ होता है. जैसे मेरी बाजू का proximal end कहना हो तो ये कंधे की तरफ है, यहाँ से जुड़ा है और इधर से free है, है ना? So proximal और distal कहने का मतलब ये होता है. Proximal end वो है जो attached है, distal end वो है जो free है. अगली स्लाइड क्या कहती है? Metaphyses क्या होता है? मैंने metaphyses आपको बताया ना, these are the regions between diaphyses and epiphyses. Metaphyses में जब एक हड्डी ग्रो कर रही है, in a growing bone each metaphysis contains epiphyseal growth plate. वो होता क्या है? A layer of hyaline cartilage that allows the diaphyses of the bone to grow in length. पीछे वाली स्लाइड में आ जाते हैं. ये देखो बेटा, इस चीज का जिक्र हो रहा है. ये जो epiphyseal line है, ये क्या है? इसके बारे में बताया जा रहा है. epiphyseal line क्या होती है? देख लेते हैं एक बार फिर से. epiphyseal line क्या है? जब एक हड्डी ग्रो कर रही है, metaphyses में epiphyseal growth plate होती है. epiphyseal growth plate क्या है? It is a layer of hyaline cartilage जो कि diaphyses को लंबाई में बढ़ने की मदद करती है. When a bone ceases to grow in length, 18 से 21 साल की उम्र में जब हड्डी लंबी होना बंद हो जाती है, the cartilage in the epiphyseal plate is replaced by bone. This results in a bony structure और तब हम उसे epiphyseal line कहते हैं. I hope आप समझ गए ये बात. देखिए, bone को लंबा होने के लिए वो जो एंड के हिस्सों में कार्टिलेज है उसकी जरूरत पड़ रही है. 18 से 21 साल की उम्र में वो कार्टिलेज जो है यहां पे वो epiphyseal लाइन बन जाता है, तो फिर ये diaphysis और लंबा नहीं हो सकता. तभी हम कहते हैं ना, हाइट स्टॉप्स इंक्रीजिंग आफ्टर अ पर्टिकुलर एज. हाइट कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड बनाती है, लेकिन ग्रोथ हार्मोन डायरेक्टली हाइट इंक्रीज नहीं करवाता. ग्रोथ हार्मोन फर्स्ट एक्ट्स ऑन लिवर एंड लिवर प्रोड्यूसेस सोमेटोमेडिन्स इन रिस्पांस टू ग्रोथ हार्मोन. सोमेटोमेडिन्स इंक्रीज योर हाइट. आफ्टर अ पर्टिकुलर एज लिवर स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग सोमेटोमेडिन्स. लिवर जब सोमेटोमेडिन्स बनाना बंद कर देता है तो हाइट स्टॉप्स इंक्रीजिंग. एंड सेकेंडली, ये epiphyseal cartilage जो है ये epiphyseal line से रिप्लेस हो जाता है. ठीक है जी, अनिमेश समझ आ गई बेटा? प्राजक्ता, युक्ता, चंदन, प्रीति, सार्थक, स्वाति, क्लियर है जी? अबुकार, मोनीश, अजय, राइट, वंडरफुल. आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए, इसलिए मैं आराम से समझाते हुए चल रहा हूं. कोई जल्दबाजी नहीं लगा रहा कि हमें फटाफट चीज खत्म करनी है. नहीं, आप लोगों की तसल्ली होना बहुत जरूरी है. चीजों को अंडरस्टैंड करिए, वो बहुत जरूरी है. एंड आई होप कि आज आप लोगों ने मेरे साथ ये लेक्चर एक अटेंड करा था. थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो माइंड पैलेस टेक्निक बताई थी, मैनी ऑफ यू वर देयर इन दैट लेक्चर माइंड पैलेस. और जो लोग नहीं भी थे, लेक्चर अपलोड हो चुका है यूट्यूब पे, जरूर देखिएगा. मेमोरी को बढ़ाने का एक और बहुत बेहतरीन तरीका है. चलिए जी, आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या है? हड्डियों के एंड में, टॉप सिरे में जो कार्टिलेज है, दैट इज हेलाइन कार्टिलेज. इट कवर्स द पार्ट ऑफ द epiphysis. और यहीं पे जॉइंट बनता है. जॉइंट पढ़ाते समय आपको बताया था ना, लॉन्ग बोन के एंड्स जो है वो किस तरह से आपस में जुड़ते हैं. यहां पे फिर से एक बार आर्टिकुलर कार्टिलेज मैं आपको दिखा देता हूं. मान लीजिए ये एक लॉन्ग बोन का रफ स्केच बना रहा हूं आपके सामने, कुछ इस तरह से. ठीक है, सो लॉन्ग बोन के टर्मिनल एंड्स पर जो कार्टिलेज है, यहां से शुरू करते हैं कुछ इस प्रकार से. ये रहा, सो ये इस कार्टिलेज का जिक्र हो रहा है बेटा. दिस कार्टिलेज इज व्हाट इज कॉल्ड आर्टिक्यूलर कार्टिलेज. आर्टिक्यूलर कार्टिलेज कह लीजिए या हेलाइन कार्टिलेज कह दीजिए, इट इज अ टाइप ऑफ हेलाइन कार्टिलेज. राइट, इसी का जिक्र करा है यहां पे. इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन एंड अब्सॉर्ब्स शॉक. ये सिर्फ इधर नहीं होगा, इधर भी है, है ना? दोनों epiphyseal ends की तरफ है. बोन का ज्वाइंट बनाता है. ज्वाइंट्स ऑलरेडी मैं आपको करा चुका हूं. जिन लोगों ने लेक्चर अटेंड नहीं करा है ज्वाइंट का, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, आपको ज्वाइंट्स के लेक्चर मिल जाएंगे वहां पे.
राइट जी ध्रुपद बोन स्टॉप डिक्रीजिंग नहीं कहा मैंने हाइट ध्रुपद मैंने जो लिखा था आफ्टर अ पर्टिकुलर एज हाइट स्टॉप्स इंक्रीजिंग ये बात कही थी मैंने पेरिओस्टियम क्या है बोन की जो सबसे बाहर वाली लेयर है ये वाली इसमें कोलेजन फाइबर्स भी होते हैं यहां पे दिस आउटर मोस्ट लेयर इज पेरिओस्टियम उसी पेरिओस्टियम का जिक्र हो रहा है यहां पे पेरिओस्टियम सराउंड्स द एक्सटर्नल बोन सरफेस इट इज कंपोज्ड ऑफ आउटर फाइबरस लेयर ऑफ डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू And there is inner osteogenic layer. Osteogenic layer, यहां पे bone के cells हैं आगे हम जिक्र करेंगे एक bone में osteoblast हैं osteocyte हैं osteoprogenitor cells हैं osteoclast भी होते हैं So bone के अलग अलग cell types अभी आपके साथ discuss करूंगा आनंद जी राहुल नमस्ते जी नमस्ते Well, पेरिओस्टियम जो है इट प्रोटेक्ट्स द बोन बोन की आउटर मोस्ट लेयर है उसे प्रोटेक्ट कर रही है इट इज अटैच्ड टू द अंडरलाइंग बोन थ्रू शार्पेज फाइबर्स वहां पे शार्पेज फाइबर्स हैं जो कि कोलेजन फाइबर्स हैं दैट एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिओस्टियम इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर बोन मैट्रिक्स अगर हम एक बोन का ट्रांसवर्स सेक्शन काटे मैं आपको दिखाता हूं मान लीजिए आप एक बोन का टीएस देख रहे हैं ट्रांसवर्स सेक्शन इस तरह से तो सबसे अंदर दिखा देते हैं यहां पे एंडोस्टियम ठीक है ये क्या टीएस दिखाया मैंने बोन का एंडोस्टियम में ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स है सो ये वाले सेल्स जो मैंने दिखाए आपको ये है एंडोस्टियम लेयर एंडोस्टियम राइट नाउ सबसे बाहर ये कोलेजन फाइबर्स इस तरह से हैं ये पेरिओस्टियम है पेरिओस्टियम में मैंने कहा शार्पेज फाइबर्स हैं और इसके अलावा ऑस्टियोब्लास्ट्स भी हैं यहां पे बोन के अलग अलग सेल्स हैं ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोसाइट ऑस्टियोब्लास्ट्स आर द बोन फॉर्मिंग सेल्स ऑस्टियोसाइट्स आर बोन मेंटेनिंग सेल्स So, ये सबसे बाहर वाली लेयर जो बनाई है बेटा जी आपके लिए मैंने अभी दिस इज पेरिओस्टियम ओके और बोन के सबसे अंदर है एंडोस्टियम एंडोस्टियम में क्या है बोन मैरो है तो यहां पे रेड कलर लेके मैं ऐसे ये डॉट डॉट लगा देता हूं बोन मैरो विच इज हेमोपोएटिक टिश्यू ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू दिस इज बोन मैरो हेमोपोएटिक टिश्यू और द ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू ये वाली चीज बोन का मैट्रिक्स है ये दिस मैट्रिक्स ऑफ द बोन इज अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स और उन लेयर्स को कहते हैं लैमेले सो ये मैंने बोन का ट्रांसवर्स सेक्शन भी बना के आपको दिखा दिया पहले मैंने आपको लेंथवाइज दिखाया था एक टीएस में भी आपने बोन देख लिया आई होप इतनी चीज क्लियर है युक्ता वाहिद ध्रुपद चंदन मोनीश क्लियर है जी इतना राइट ट्रांसवर्स सेक्शन में भी सो पेरिओस्टियम के बारे में क्या लिखा है पेरिओस्टियम में ऑस्टियोब्लास्ट है बोन फॉर्मिंग सेल ये जो अंदर वाले सेल्स हैं दीज आर ऑस्टियोब्लास्ट्स राइट और इसके अलावा शार्पेज फाइबर्स भी हैं इसमें विच आर कोलेजन फाइबर्स आगे बढ़ते हैं मेडुलरी कैविटी द मेडुलरी कैविटी और द मैरो कैविटी भी कह देते हैं इट इज अ हॉलो सिलेंड्रिकल स्पेस विद इन द डायाफाइसिस और उसमें फैटी येलो बोन मैरो एडल्ट्स में है लंबी जो हड्डी होगी अगर उसमें आपको एक्टिव बोन मैरो देखना है रेड बोन मैरो मैंने बताया ना रेड बोन मैरो इज प्रेजेंट इन द एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स इन केस ऑफ एडल्ट्स जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है बोन मैरो इनएक्टिव होता जाता है इसीलिए ये बात लिखी है एक तो फैटी टिश्यू होगा वहां पे और येलो बोन मैरो होगा एडल्ट्स के केस में सेंटेंस ध्यान से पढ़िएगा ये बोन की मेडुलरी कैविटी में बोन का जो एंडोस्टियम है सबसे अंदर वाली लेयर जो है इट इज अ थिन मेम्ब्रेन विच लाइंस इंटरनल बोन सरफेस एंड इट हैज अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स यहां पर भी ऑस्टियोब्लास्ट्स विच आर द बोन फॉर्मिंग सेल्स वो प्रेजेंट होते हैं ठीक है जी
Now, जिन बोन सेल्स का मैं जिक्र कर रहा था आपके लिए पूरी लिस्ट मैंने यहां पे लिख दी है ताकि आपको याद रखना आसान रहे. ऑस्टियोब्लास्ट्स आर बोन फॉर्मिंग सेल्स, ऑस्टियोसाइट्स आर बोन मेंटेनिंग सेल्स, ऑस्टियोक्लास्ट्स आर बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स. बोन डिस्ट्रॉइंग से क्या मतलब हो गया भाई, बोन को डिस्ट्रॉय करने की क्या जरूरत है. एक्चुअली दे प्ले रोल इन रिपेयरिंग ऑफ द बोन, दे आर कॉल्ड बोन रिपेयरिंग सेल्स और बोन रीमॉडलिंग सेल्स. जब एक बोन फ्रैक्चर हो जाती है, हड्डी टूट जाती है, तो उसका रिपेयर करना भी तो जरूरी है. आज हम फ्रैक्चर्स का भी जिक्र करेंगे. सो देर आर ऑस्टियोब्लास्ट्स, बोन फॉर्मिंग सेल्स, ऑस्टियोसाइट्स bone maintaining cells, osteoclasts bone destroying or the repairing cells, osteocytes have protoplasmic processes which are called phylopodia. एक अगर आपको osteocyte का structure बना के दिखाऊं मैं बेटा, so osteocyte में इस तरह से protoplasmic processes हैं और इन प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस को फाइलोपोडिया कहते हैं. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वन ऑस्टियोसाइट. यहां से मैंने ये लेकर के एनलार्ज्ड व्यू में आपको दिखाया है, यही वाली चीज ऑस्टियोसाइट एनलार्ज्ड व्यू में. यहां पे लिख देते हैं, दिस इज द डायग्राम ऑफ एन ऑस्टियोसाइट. ओके, ऑस्टियोसाइट में ये जो है फाइलोपोडिया है, उसकी प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस. ऑस्टियोसाइट को सराउंड करता हुआ बाहर की तरफ देयर इज अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस, दैट फ्लूइड फिल्ड स्पेस इज कॉल्ड लैक्यूना. ऑस्टियोसाइट के चारों तरफ एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस है. इस फ्लूइड फिल्ड स्पेस को लैक्यूना कहते हैं और लैक्यूना के जो चैनल्स हैं उनको कैनाली क्यूली कहते हैं. सो आप ये कह सकते हैं कि लैक्यूना के कैनाली क्यूली के अंदर फाइलोपोडिया प्रेजेंट होते हैं. सो इस डायग्राम में आपको ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोसाइट के फाइलोपोडिया और बाहर की तरफ लैक्यूना, तीनों चीजें मैंने दिखा दी हैं. क्लियर है इतना बोन की हिस्टोलॉजी. थैंक यू राहुल, थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग द ड्रॉइंग. डॉक्टर रोशनी नुक्ता युक्ता, आई एम सॉरी द्रुपद, ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो बोन फॉर्मिंग सेल है, ऑस्टियोसाइट बोन मेंटेनिंग सेल है, ऑस्टियोक्लास्ट का काम होता है कि जब हड्डी टूट गई है उसे रिपेयर करना है, वहां पे जो टूटे फूटे हिस्से को डिस्ट्रॉय करना है पहले, वो ऑस्टियोक्लास्ट का काम है. इज इट क्लियर? राइट जी. फाइलोपोडिया की स्पेलिंग संदीप ठीक लिखिए. अनिमेश आपने ठीक लिखा है, कैनाली क्यूली. सो कैनाली क्यूली क्या है, ये लैक्यूना के चैनल्स हैं. लैक्यूना हैज द चैनल्स कॉल्ड कैनालिक्यूली. ओवरऑल पूरी स्पेस को लैक्यूना कहते हैं. ऑस्टियोसाइट्स आर प्रेजेंट इन द स्पेसेस कॉल्ड लैक्यूने, प्लूरल लिखा है यहां पे. लैक्यूना हैज चैनल्स कॉल्ड कैनालिक्यूली इन विच फाइलोपोडिया आर प्रेजेंट. राइट, कैनालिक्यूली के अंदर फाइलोपोडिया है. इतना क्लियर है जी सबको? राइट, जल्दी से थम्स अप साइन भेजिए, फिर आगे चलते हैं. आप जल्दी से थम्स अप साइन भेजेंगे तो कैनालिक्यूली कहां है सलमान, मैंने बना तो दिया. कैनालिक्यूली वही लैक्यूना की लंबी लंबी चैनल्स जो बन जाएंगी. पूरी स्पेस को लैक्यूना कह दिया, फ्लूइड फिल्ड स्पेस है, उसके हर पतले लंबे लंबे चैनल को कैनालिक्यूली कहा है. क्लियर है जी? राइट, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. यहां पे सेल्स दिखाए हैं मैंने आपको कि ऑस्टियोजेनिक सेल यानी ऑस्टियोप्रोजेनाइटर सेल, उससे बना ऑस्टियोब्लास्ट, उससे बना है ऑस्टियोसाइट और ये रहा ऑस्टियोक्लास्ट. एक एनलार्ज्ड व्यू में आपको बोन के ये अलग अलग प्रकार के सेल्स मैंने दिखा दिए हैं, ऑस्टियोप्रोजेनाइटर सेल, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट. सबके अलग अलग फंक्शंस भी आप जान चुके हैं. ठीक है जी, आगे बढ़े. नेक्स्ट, नाउ यहां पे एक बोन को लेंथ वाइज काट के आपको दिखाया गया है और ऊपर का हिस्सा भी दिखाया गया है कि बोन में जिन ऑस्टियोसाइट्स का हम जिक्र कर रहे हैं वो किस प्रकार से रिलेटेड हैं. ये ऑस्टियन जो है ये क्या है, हेवर्शियन लेमेले. जो लेमेले ऐसे सर्कुलर वे में है हेवर्शियन कैनाल के चारों तरफ, दे आर वॉट आर कॉल्ड हेवर्शियन लेमेले. सो हेवर्शियन कैनाल्स आर साइड बाय साइड कनेक्टेड होती हैं बाय ट्रांसवर्स कैनाल्स, जिसे वॉल्कमेंस कैनाल्स कहते हैं.
आप प्लेलिस्ट में एनिमल टिश्यूज के लेक्चर्स देखिएगा मेरे अनअकैडमी नीट चैनल में ही प्लेलिस्ट है एनिमल टिश्यूज के लेक्चर्स देखिए वहां बोन की हिस्टोलॉजी आपके साथ डिस्कस करी हुई है उसमें मैंने बताया है व्हाट आर हेवर्शियन कैनाल्स व्हाट आर वॉल्कमैन्स कैनाल्स सो एवरीथिंग इज डिस्कस्ड इन दैट सो यहां पे सिर्फ एक दोबारा से आपको रिकैप देने के लिए मैंने ये चीज दिखाई है यहां पे दिख रही है ये बीच में ब्लड वेसल्स हैं लिम्फ वेसल्स भी हैं स्पॉन्जी बोन कॉम्पैक्ट बोन राइट ठीक है आगे बढ़ सकते हैं ग्रेट थैंक यू सो मच रितु आप कह रही हैं वंडरफुल डायग्राम ग्रेट नेक्स्ट देखते हैं जी नाउ ये एक छोटे हिस्से को डिटेल्स ऑफ सेक्शन ऑफ अ ट्रबैक्यूला छोटे हिस्से को एनलार्ज करके दिखा दिया कि ये रहा लैक्यूना राइट दैट फ्लूइड फिल्ड स्पेस That is lacuna. ये रहा osteocyte. ये रहा osteoclast. ये रहे osteoblast. और ये रहे वो channels canaliculi. Lecture upload होने के बाद इस slide को ध्यान से देखिएगा. यहाँ पे पीछे वाले slide से compare करके देखिएगा. यहाँ पे ये इतने हिस्से को next section में enlarge करके दिखाया गया है. ये वाली चीज जो है ये नेक्स्ट सेक्शन में नेक्स्ट स्लाइड में इसमें एनलार्ज्ड व्यू में है तो आप रिलेट करके देखना आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी चीजें ओके ग्रेट नाउ नेक्स्ट वी कम टू द डिजीजेस और द डिसऑर्डर्स विच आर रिलेटेड टू बोन्स जिसमें हम बोन के फ्रैक्चर डिस्कस करेंगे सबसे कॉमन जो है आप सुनते हैं आर्थराइटिस जिसे हम गंठिया बोल देते हैं आर्थराइटिस कई प्रकार का होता है देर इज ऑस्टियो आर्थराइटिस देर इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड देर इज गाउटी आर्थराइटिस GOUT जिसे कहते हैं गाउटी आर्थराइटिस या गाउट जो होता है दैट इज बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन द जॉइंट्स यूरिक एसिड शरीर में बनता है प्यूरिन्स के मेटाबॉलिज्म से सो यूरिक एसिड ज्यादा इकट्ठा होने लगता है जब ब्लड में तो वो जोड़ों में इकट्ठा हो जाता है जिससे गाउट GOUT हो जाता है जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है दैट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर शरीर का अपना ही इम्यून सिस्टम जो है शरीर के अगेंस्ट होने लगता है और रूमेटॉइड आर्थराइटिस करता है ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है दैट इज ड्यू टू द नॉर्मल वियर एंड टीयर ऑफ जॉइंट्स जैसे उम्र बढ़ती है सो जॉइंट्स का वियर एंड टीयर तो हो ही रहा है सो जो चीज खर्च हो रही है खपत हो रही है जिसकी सो वहां पे कहीं ना कहीं तो डिटीरियोरेशन होगा टिश्यू में देखते हैं जी रिमेटिज्म एंड आर्थराइटिस रिमेटिज्म इज अ पेनफुल डिसऑर्डर ऑफ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी bones, ligaments, tendons or even muscles that is not caused by infection or injury. Arthritis, it is a form of rheumatism in which joints are swollen, stiff and painful. Dardnak bhi hota hai, jodon mein dard bhi hota hai isme, joints swell bhi kar jate hain. Osteoarthritis ka zikr karte hain pehle, aap ek normal joint aur osteoarthritic joint mein yahan pe gehrai se difference dekhiye. This is a normal joint. Joint capsule का structure मैं already आपको करा चुका हूं जिन लोगों ने नहीं करा है आप playlist में पिछले lectures देख लीजिए आपको joints पे पूरा एक complete lecture मिल जाएगा So ये joint capsule है osteoarthritis के केस में देखिए ये आपस में जुड़ गया यहां पे synovial cavity आपको नजर आ रही है जिसमें synovial fluid है lubrication maintained है और joint का movement normal है जब osteoarthritis हो रहा है it is a degenerative joint disease in which joint cartilage is gradually lost धीरे धीरे जो cartilage है articular cartilage hyaline cartilage वो खत्म होने लगता है It results from a combination of aging, obesity, irritation of the joints, muscle weakness, wear and abrasion. कई कारण है obesity है शरीर का वजन अगर बहुत ज्यादा है जोड़ों पे बहुत ज्यादा वजन पड़ रहा है उसके कारण भी osteoarthritis हो जाता है joint replacement भी कराना पड़ता है आपने कई आप लोगों ने सुना होगा knee replacement surgery जिसे हम कहते हैं right जी knee replacement surgery osteoarthritis को ही wear and tear arthritis भी कहते हैं so it is commonly called wear and tear arthritis मतलब जो चीज जिसका रोजाना इस्तेमाल होगा wear करी जाएगी तो tear यानी खराब भी तो होगी वो
इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आर्थराइटिस. जो अलग अलग तरह के आर्थराइटिस हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस एंड द गाउटी आर्थराइटिस, उन तीनों में से सबसे कॉमन जो है वो ऑस्टियो आर्थराइटिस है. साइनोवियल ज्वाइंट्स इफेक्ट हो रहे हैं, पर्टिकुलरली द वेट बियरिंग ज्वाइंट्स. आर्टिकुलर कार्टिलेज डिटीरियोरेट्स एंड न्यू बोन फॉर्म्स इन द सबकॉन्ड्रल एरियाज एट द मार्जिन्स ऑफ द ज्वाइंट. आर्टिकुलर कार्टिलेज डिटीरियोरेट हो जाएगा तो ज्वाइंट धीरे धीरे आपस में जुड़ ही जाता है और मोटिलिटी जो है वो बहुत ही रिस्ट्रिक्ट हो जाती है एंड इट इज पेनफुल ऑल्सो फॉर द पेशेंट. ठीक है जी. सो दिस इज गोइंग टू रिस्ट्रिक्ट द ज्वाइंट मूवमेंट. ये पॉइंट ध्यान रखिएगा यहां पे. ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाने पे ज्वाइंट मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है. नेक्स्ट देखते हैं जी क्या लिखा गया इसके बारे में. दिस ऑस्टियोआर्थराइटिस एफ्लिक्ट्स द लार्जर ज्वाइंट्स, नी ज्वाइंट, हिप्स एंड इट इज ड्यू टू वियर एंड टीयर. जबकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो छोटे ज्वाइंट्स को इफेक्ट करता है, उंगलियों के, पैरों की उंगलियों के जो ज्वाइंट्स हैं उनको इफेक्ट करता है. राइट. ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस अंतर है. ऑस्टियोआर्थराइटिस इज ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर ऑफ द ज्वाइंट्स, लार्ज वेट बियरिंग ज्वाइंट्स को इफेक्ट कर रहा है. और जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है. शरीर की अपनी एंटीबॉडीज ही साइनोवियल मेम्ब्रेन को, ज्वाइंट को अटैक करना शुरू कर देती हैं, ज्वाइंट का इन्फ्लेमेशन हो जाता है एंड अल्टीमेटली पेनफुल हो जाते हैं ज्वाइंट्स. और ये छोटे ज्वाइंट्स को इफेक्ट करता है, उंगलियों के ज्वाइंट्स हो गए, जैसे पैरों की उंगलियों के ज्वाइंट्स हो गए, अंगूठे का. रूमेटॉइड आर्थराइटिस का जिक्र किया गया है यहाँ पे. देखिए ये एक नॉर्मल ज्वाइंट का पिक्चर दिखाया गया आपको और यहाँ पे रूमेटॉइड आर्थराइटिस का दिखाया गया है. गौर कीजिए यहाँ पे. इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. व्हाट आर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, ये क्वेश्चन नीट में आया भी हुआ है, ध्यान रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स वो हैं जहां पे शरीर का अपना इम्यून सिस्टम जो है वो खुद ही आपके खिलाफ हो जाता है. ऐसे ही मायस्थीनिया ग्रेविस भी मसल्स के केस में होता है. थायराइड ग्लैंड का भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, हशिमोटो डिजीज आपने पढ़ा होगा. सो कई प्रकार के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं. दिस इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इन विच इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी, इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी अटैक्स इट्स ओन टिश्यूज. And in this case, the tissue is cartilage and the joint lining. यहाँ पे inflammation हो जाएगा joint का, जिसके कारण there is swelling, there is pain and there is loss of function. क्लियर है जितना. इसके बाद देखते हैं गाउटी आर्थराइटिस. गाउटी आर्थराइटिस में जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि यूरिक एसिड क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो जाते हैं. रूमेटॉइड आर्थराइटिस में synovial membrane थिक हो जाएगी, पेन होगा, टेंडरनेस होगा एंड पेनस फॉर्मेशन हो जाता है. पेनस फॉर्मेशन क्या होता है? द मेम्ब्रेन, सिनोवियल मेम्ब्रेन प्रोड्यूसेस एबनॉर्मल ग्रेन्यूल्स, दैट एबनॉर्मल ग्रेन्यूलेशन इज कॉल्ड पेनस. राइट. क्लियर है इतना. गाउटी आर्थराइटिस डिस्कस करने से पहले एक बार आपके क्वेश्चंस पे नजर मारते हैं जी. युक्ता सर्वेश, हशिमोटो डिजीज, हाँ ध्रुपद, वो थायराइड ग्लैंड का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है. डेनियल, डायग्राम्स पसंद आ रहे हैं आपको, थैंक यू सो मच जी. सत्य, शिवम, किशन, मोनीश, वाहिद, भरत, अनुरेश, अनिमेश कितना राइमिंग है जी नाम आपके, अनुरेश एंड अनिमेश, ग्रेट. किसने, हिमांशु आपने क्या पूछा है? हिमांशु गुप्ता आप दोबारा पूछ लीजिए, वो मैसेज शायद स्क्रॉल होके ऊपर चला गया, मेरी नजर नहीं पड़ पाई उस पर. बताइए जी क्या पूछना चाहते हैं आप सबको, जिन लोगों को क्लियर है बिल्कुल, आपके थम्स अप साइन मुझे मिल जाने चाहिए स्क्रीन पे. मुझे थम्स अप आपके दिख जाएंगे तो मुझे मैसेज मिल जाएगा कि जितना हमने पढ़ा है अभी तक वो आपको क्लियर है. आपको डॉक्टर बनना है कल को, सो बीमारियों के बारे में तो अच्छे से जानकारी रखिए आप. राइट जी, इन्हीं चीजों से आपका पाला पड़ेगा आगे. क्लियर है जी. राइट. सागरिका फाइन. ओके जी, आगे बढ़ते हैं. रियोमेटिक फीवर यहां पे नहीं आ जाएगा, वो जब हम डिजीजेस एंड डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे उसमें आपको रियोमेटिक फीवर बता देंगे जी. यूरिक एसिड, यूरिक एसिड इज अ वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन्स. यूरिक एसिड जब इकट्ठा होने लगता है, अ पर्सन हु सफर्स फ्रॉम गाउट Either produces excess amount of uric acid, या तो उसमें uric acid ज्यादा मात्रा में बन रहा है, और
द पर्सन इज नॉट एबल टू एक्सक्रीट द यूरिक एसिड जितना कि शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए. हमारी किडनीज जब यूरिन बनाती हैं उसमें मेजरली यूरिया तो होता ही है, राइट, स्मॉल अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड्स एंड अमोनिया भी है, उसमें यूरिक एसिड भी होता है. कई जानवर एक्सक्लूसिवली यूरिक एसिड ही एक्सक्रीट करते हैं, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स आपको बताए थे, इंसेक्ट्स ऑल्सो यूरिकोटेलिक कहते हैं उनको. सो इंसानों में भी यूरिक एसिड बन रहा है और जब ब्लड में उसका लेवल बढ़ जाता है तो समस्या क्रिएट करता है. The excess uric acid reacts with sodium to form sodium urate. Crystals of this salt accumulate in soft tissues such as kidneys and in the cartilage of the ear and the joints. यहां पे दिखाया गया है यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो कि जॉइंट में डिपॉजिट हो रखे हैं. क्लियर है जी? दिस इज व्हाट इज गाउट. ध्यान रखना सिंपल सा है, इस पे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है कि गाउटी आर्थराइटिस या सिंपली गाउट किस चीज की एक्यूमुलेशन के कारण होता है? यूरिक एसिड. सो जब पेशेंट को गाउट हो जाता है तो हमें उसका डाइट रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है. बहुत सारी चीजें हैं जो हम डाइट में कंट्रोल कर देते हैं जिसके कारण शरीर में यूरिक एसिड का लेवल ना बढ़े. बहुत सारे नट्स भी नहीं खाने होते, काजू खाने को भी मना करते हैं इसमें. Another disease is Lyme disease related to the joints. A spiral-shaped bacterium, Borrelia, it causes Lyme disease. Lyme disease ka naam kaise pada hai? It is named for the town of Lyme, Connecticut, where it was first reported. Jis jagah pe sabse pehle report hui thi ye disease, Lyme disease, uske naam se iska नाम है. द बैक्टीरिया ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस बाय डियर टिक्स. डियर हिरन के शरीर पे जो टिक्स होती हैं उससे. टिक्स आर सो स्मॉल दैट देयर बाइट्स ऑफन गो अननोटिस्ड. वो काट लेती हैं तो पता भी नहीं चलता है बिकॉज इतनी छोटी हैं. विद इन अ फ्यू वीक्स द टिक बाइट अ रैश अपीयर्स एट द साइट. टिक्स आप समझते हैं जैसे डॉग्स के केस में भी टिक्स एंड माइट्स होती हैं, ऐसे डियर में भी टिक्स होती हैं. सिम्टम्स में ज्वाइंट का स्टिफनेस हो जाएगा, फीवर, हेडेक, स्टिफ नेक, नोजिया, बैक पेन. एडवांस स्टेजेस में आर्थराइटिस इज द मेन कॉम्प्लिकेशन एंड इट अफेक्ट्स द लार्जर ज्वाइंट्स लाइक नी, एंकल, हिप, एल्बो और द रिस्ट. दैट वाज लाइम डिजीज. ओके, बैक्टीरिया है कॉजेटिव एजेंट. द बैक्टीरिया इज बोरेलिया और इसको जो स्प्रेड करता है दैट इज डियर टिक. क्लियर? आगे बढ़ूं? चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्पॉन्डाइलाइटिस पे. स्पॉन्डाइलाइटिस क्या होता है? एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस. इट्स एन इंफ्लेमेटरी डिजीज. इंफ्लेमेशन से मतलब समझते हैं आप, किसी भी ज्वाइंट का या किसी भी टिश्यू का हम कहीं इंफ्लेमेशन हुआ है मतलब वहां पे स्वेलिंग है, वहां पे पेन है, वहां पे रेडनेस है और लोकल एरिया गर्म हो गया, वो वार्म्थ है. मान लीजिए आपके हाथ पे चोट लगी है बहुत ज्यादा, सो जो सिम्टम्स आपको वहां दिखेंगे वो इंफ्लेमेटरी सिम्टम्स है. वहां स्वेलिंग हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगा, पेन होगा और लोकल वार्म्थ हो जाएगा. इट अफेक्ट्स द जॉइंट्स बिटवीन द वर्टिब्रे. वर्टिब्रा के स्ट्रक्चर में अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था, ये वर्टिब्रा का सेंट्रम होता है या डिस्क होती है या बॉडी होती है. दो एडजेसेंट वर्टिब्रा के बीच में एक फाइब्रोकार्टिलेजिनस डिस्क है, दैट इज कॉल्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क. जब इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो इन्फ्लेम हो गया है, आप देखेंगे दोनों तरफ से रेड दिखाया गया है और यहां पे दिखाया गया है कि ये बहुत ज्यादा कंप्रेस हो चुका है. गर्दन के रीजन में भी आपने सुना है सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस हो जाता है, लोगों को कॉलर लगाना पड़ता है, फिर कई पेशेंट्स को आपने देखा होगा. द डिजीज विच इज मोर कॉमन इन मेल्स सेट्स इन बिटवीन द एज ऑफ 20 and 40. It is characterized by pain and stiffness in the hips, lower back, and that progresses along the backbone. इसके इलाज में भी काफी टाइम लगता है, ये भी काफी पेनफुल है, काफी लंबे समय तक पेशेंट को कई बार बेड रिडन भी रहना पड़ता है इस केस में, दैट इज स्पॉन्डाइलाइटिस के केस में. नाउ इन्फ्लेमेशन के कारण एनकाइलोसिस हो जाता है. एनकाइलोसिस इज सीवियर और द कंप्लीट लॉस ऑफ मूवमेंट एट अ ज्वाइंट, या फिर काइफोसिस, हंचबैक, जिसे हम कहते हैं कुबर निकल आना पीठ में इस तरह से, दैट इज द काइफोसिस. इसमें हम एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं, हीट या मसाज एंड एक्सरसाइज पेशेंट को करनी पड़ती है ताकि ज्वाइंट की मोबिलिटी ठीक से बनी रहे. राइट बेटा जी? ठीक है, आगे बढ़े. ओके, अब हम आते हैं थोड़ी सी इंटरेस्टिंग एंड पेनफुल चीज पर भी, फ्रैक्चर. हड्डियां अक्सर फ्रैक्चर भी हो जाती हैं. फ्रैक्चर है एनी
ब्रेक इन द बोन, हड्डी का टूट जाना। फ्रैक्चर कई तरह के हो सकते हैं। मान लीजिए एक बोन सिंपली दो टुकड़ों में टूट गई है, एक बोन तीन टुकड़ों में टूट गई है, हड्डी टूट के स्किन को चीरती हुई बाहर निकल के आ सकती है। सो द फ्रैक्चर्स कैन बी सिंपल ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर भी हो सकता है, देयर कैन बी कॉम्यूटेड फ्रैक्चर, देयर कैन बी कंपाउंड फ्रैक्चर। फ्रैक्चर्स की जब हम नेमिंग करते हैं तो वो भी अलग अलग तरीके से करते हैं। देखते हैं जी, फ्रैक्चर क्या है। Any break in the bone is what is fracture. Fractures are named according to severity, मतलब कितने severe हैं वो, या फिर shape or position of the fracture line, या फिर physician who first described them, जैसे Potts fracture पढ़ेंगे, Collis fracture पढ़ेंगे, right? Fractures को classify करने के तरीके अलग अलग हैं। मान लीजिए जैसे एक simple तरीके से दिखाता हूँ, suppose कीजिए ये एक bone है और इस bone में एक हल्का सा crack आ गया है, बस इस तरह से, तो fracture तो ये भी हो सकता है, this is also one of the types of fracture. दूसरी कंडीशन हो सकती है कि भाई हड्डी ऐसे दो टुकड़ों में टूट गई, ठीक है, दिस इज अनदर सिचुएशन। नाउ देयर कैन बी वन मोर सिचुएशन कि बोन ब्रेक हुई और एक टुकड़ा बिल्कुल ही अलग हो गया, ऐसे हो गया। अब देखने में बड़ा डरावना सा लग रहा है कि बोन एक तरह से तीन टुकड़ों में टूट गई है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द केसेस। देयर कैन बी ए केस जहां पे हड्डी जो है वो टूट के स्किन को चीरती हुई बाहर निकल आए। सो देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स, राइट जी। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या प्रकार के फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जनरली छोटे बच्चों में कॉमन होता है, इंपैक्टेड फ्रैक्चर, ओपन और द कंपाउंड फ्रैक्चर, कॉम्यूटेड फ्रैक्चर, पॉट्स फ्रैक्चर, कोलेज फ्रैक्चर एंड स्ट्रेस फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं। पॉट्स फ्रैक्चर या कोलेज फ्रैक्चर पे अगर आप पुराने क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखेंगे स्टेट एंट्रेंस एग्जाम्स में, जैसे BHU में, मणिपाल में, वहां पे कभी कभार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप में से बहुत से बच्चे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बुक्स में से सॉल्व करते हैं, सो मेनी टाइम्स दे सेंड मी दीज क्वेश्चंस ऑन टेलीग्राम। सो मैं आपको बता दूं कि अब क्यों बता रहा हूं आपको ये चीज इंक्लूड करके, क्योंकि नीट का एक कॉमन एग्जाम हो गया जिसमें एम्स भी मर्ज्ड है, जिसमें जिपमेर भी मर्ज्ड है, और एम्स का तो कोई प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस कुछ होता ही नहीं था, दे सिंपली से क्लास 11th एंड 12th बायोलॉजी, तो बच्चे बहुत डिटेल में पढ़ के जाते थे उस चीज को। इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको भी कंसेप्ट जो है वो डिटेल में बताया जाए बेटा, ताकि आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। एक सिंपल सी बात ही तो होनी है, पॉट्स फ्रैक्चर किस हड्डी का है और कोलेज किस बोन का है, तो अगर हम पढ़ लेंगे तो कोई नुकसान तो है नहीं उसमें। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या है, देखिए जी, इट्स अ पार्शियल फ्रैक्चर इन विच वन साइड ऑफ द बोन इज ब्रोकन एंड द अदर साइड जस्ट बेंड्स। हड्डी का एक सिरा टूट गया है, ये देखो हल्का सा, यहां पे ये एक्सरे पिक्चर आप देखें पेशेंट का, सो आपको दिखेगा ये इस तरह से, राइट जी, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, इट अकर्स ओनली इन चिल्ड्रन, छोटे बच्चों में, हुज बोन्स आर नॉट फुली येट ऑसिफाइड, जिनके बोन्स में पूरी तरह से ऑसिफिकेशन नहीं हुआ होता, एंड कंटेन्स मोर ऑर्गेनिक मटीरियल देन इनऑर्गेनिक मटीरियल। बच्चों के केस में बोन्स ज्यादा इलास्टिक होती हैं, ऑर्गेनिक मटीरियल ज्यादा है। इंपैक्टेड फ्रैक्चर क्या कहता है, वन एंड ऑफ द फ्रैक्चर्ड बोन इज फोर्सफुली ड्रिवन इनटू द इंटीरियर ऑफ द अदर, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं इंपैक्टेड, हड्डी टूट भी गई और धंस गई, दोनों हड्डियां टूट के आपस में धंस गई, इतना फोर्स लगा है उनपे, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द इंपैक्टेड फ्रैक्चर। ओके, नेक्स्ट, ओपन और द कंपाउंड फ्रैक्चर। ओपन या कंपाउंड फ्रैक्चर में आप एक्सरे पिक्चर में भी देख पा रहे हैं कि हड्डी चीर करके बाहर आ गई है। आप इधर इस डायग्राम में देखिए, ये बोन टूटी, अगर हम ह्यूमरस का जिक्र करें, ह्यूमरस बोन टूटी और ये इस तरह से स्किन को चीर के ये बाहर को दिख रही है ऐसे, राइट डर तो नहीं लग रहा है इनको देख करके। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फ्रैक्चर्स वगैरह जैसी चीज देख करके डर जाते हैं कि भाई हड्डी टूट गई, बहुत ज्यादा दर्द होगा, बहुत पेनफुल होगा, ये आपको तो खुद डॉक्टर बनना है, आपको डरना थोड़ी चाहिए इन चीजों से। नाउ कॉम्यूटेड फ्रैक्चर, मैंने आपको खुद भी डायग्राम बना के दिखाया था ना कि बोन कैसे टूटी है, दो टुकड़ों में टूटी और छोटे छोटे टुकड़े इधर उधर उसके और हो गए। अब ये छुटंकु छोटे छोटे टुकड़े जो हो गए ये तो भाई अलग करने पड़ेंगे, और दोनों बोन्स को जोड़ने के लिए शायद हमें प्लेट्स भी डालनी पड़े बीच में। वो प्लेट्स कैसे डालते हैं वो भी आपको अभी दिखाता हूं। द बोन इज स्प्लिंटर्ड,
या फिर क्रश हो गई, ब्रोकन इनटू पीसेस एंड स्मॉलर बोन फ्रैगमेंट्स लाई बिटवीन द टू मेन फ्रैगमेंट्स. जो छोटे बोन फ्रैगमेंट्स हैं वो उन बड़े बोन फ्रैगमेंट्स के बीच में हैं. दिस इज मोस्ट डिफिकल्ट फ्रैक्चर टू ट्रीट. ऑब्वियसली काफी मुश्किल हो जाएगा. हड्डी अगर टूट गई है और बीच में छोटे छोटे टुकड़े भी अलग हो गए तो लेंथ भी तो कम हो गई ना बोन की, है ना, तो उसे जोड़ पाना भी मुश्किल हो जाएगा. पॉट्स फ्रैक्चर क्या है, देखिए इधर भी देख लीजिए. Now see at this animation. यहां से bone टूटी, fibula, tibia fibula bones आपको याद है. So Pott's fracture, it is a fracture of distal end of fibula. ये आप ध्यान रख लेना. Tibia and fibula दो bones बताई थी. With serious injury of the distal tibial articulation. यहां पे X-ray picture में भी दिखाया गया है और इधर आपको वही चीज इस animation के रूप में भी दिखाई गई है. ये रहा fracture. ये रही टिबिया बोन, वो रही फिब्यूला और ये वाला फ्रैक्चर्ड साइट है जहां से बोन टूट गई है. क्लियर है ये एनिमेशन? हां जी. प्रिया कह रही है इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है. वेरी गुड जी, यू आर ए बोल्ड पर्सनालिटी, नाइस टू नो दैट. हां जी. सो मुझे जल्दी से आपके थम्स अप साइन मिल जाने चाहिए कि आपको इतना क्लियर हो रहा है, तब मैं आगे बढ़ूं. ज्योति सिंह की क्लास सेवेंथ में थी जब मेरा हैंड फ्रैक्चर हो गया था. ओके, ध्यान रखिए जी. बुशा ने कहा किस कंडीशन में रॉड लगाते हैं, अभी बता देते हैं आपको जी. प्लेट्स बहुत कॉस्टली होते हैं, सागरिका पूछ रही है. यस जी, ऑर्थोपेडिक्स की जितनी सर्जरी है वो कॉस्टली तो होती ही है. ओके, हिमांशु कह रहे हैं कि मैं टेक्स्ट मैसेज कर दूंगा. ठीक है हिमांशु जी, मुझे आपके मैसेज का इंतजार रहेगा. चलिए, बच्चे कह रहे हैं क्लियर हो रहा है, आगे बढ़ता हूं जी. नेक्स्ट है कोलेस फ्रैक्चर. कोलेस फ्रैक्चर क्या है? अ फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस. रेडियस बोन के फ्रैक्चर को जो है कोलेस फ्रैक्चर कहते हैं. इन विच द डिस्टल फ्रैगमेंट इज डिस्प्लेस्ड पोस्टीरियरली. सो मैंने कहा था ना, फ्रैक्चर्स को जो है हम क्लासिफाई कर लेते हैं इवन ऑन द नेम्स ऑफ द साइंटिस्ट या डॉक्टर्स जिन्होंने उसके बारे में जिक्र किया है. जैसे कोलेस फ्रैक्चर या पॉट्स फ्रैक्चर का जिक्र करा था हमने. स्ट्रेस फ्रैक्चर्स क्या होते हैं? नाउ स्ट्रेस फैक्टर को समझने पहले देखिए, इधर आप प्लेट्स का जिक्र कर रहे थे ना, ये जो पीछे मैंने दिखाया था आपको पॉट्स फ्रैक्चर, वहां पे ये देखिए प्लेट लगा रहे हैं. स्क्रू ड्राइवर से स्क्रूज फिट करके हम सबसे पहले तो आपने वहां पे जो स्क्रू डाला है ताकि वो दोनों बोन्स को जोड़ दे और फिर उन्हें सपोर्ट दे करके रखने के लिए हमें यहाँ पे प्लेट भी लगानी पड़ी. कई केसेस में ये प्लेट्स हम नहीं निकालते हैं, लेकिन कई केसेस में ये प्लेट्स हमें फिर जब दोबारा बोन जुड़ जाती है तो ये निकालनी पड़ जाती है. ओके बेटा. नाउ स्ट्रेस फ्रैक्चर्स क्या है? इन सम केसेस अ बोन में फ्रैक्चर विदाउट विजिबल ब्रेकिंग. ऐसा हो सकता है कि विजिबली देखने में कोई फ्रैक्चर दिख नहीं रहा लेकिन हड्डी अंदर से कमजोर हो रखी है और उसमें फ्रैक्चर है. स्ट्रेस फ्रैक्चर इज अ सीरीज ऑफ माइक्रोस्कोपिक फिशर्स इन द बोन दैट फॉर्म विदाउट एनी एविडेंस ऑफ इंजरी टू द टिश्यूज. इन हेल्दी एडल्ट्स स्ट्रेस फ्रैक्चर्स रिजल्ट फ्रॉम रिपीटेड स्ट्रेनस एक्टिविटीज सच एज रनिंग, जंपिंग, एरोबिक डांसिंग. तो हड्डियों में जो है माइक्रोस्कोपिक फिशर्स बन जाते हैं. सो देखने में वो चीज नजर नहीं आए लेकिन एक्चुअल में बोन में जो है वो फ्रैक्चर गिना जाता है. सॉरी. ठीक है जी, क्लियर है इतना? सो फ्रैक्चर्स आपको समझ आ गए. बोन की हिस्टोलॉजी हमने देखी आज. बोन के डिसऑर्डर्स के बारे में जिक्र किया. आर्थराइटिस मैंने आपको बताया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउटी आर्थराइटिस. इतना क्लियर है? बताइए जी. आपने कहा डॉक्टर्स ऑलराउंडर हैं, इंजीनियर भी बन गए हैं. ठीक है जी. ग्रेट. आयशा थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग द डायग्राम. मोनीश, विनय, राजाराम, शिवानी, युक्ता, हाँ बिल्कुल शिवराम जी, नट्स एंड बोल्ट्स हैं ये पूरे. उन्हें सपोर्ट देने के लिए ना, हड्डियों को जोड़ करके रखना है ना बेटा, तभी तो ये आपको नट्स एंड बोल्ट्स लगाने पड़ेंगे, राइट? लेकिन ये उन मटेरियल के बने होते हैं जो आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. चलिए जी, ठीक है राजा बेटा. चलिए, आपको मजा आया तो जल्दी से जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं करा है, लाइक का बटन प्रेस नहीं करा है, वो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा. और लेक्चर अपलोड होने के बाद आप अपने कमेंट्स भी दीजिएगा. आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपके कमेंट्स का जवाब दे सकूं. थैंक यू सो मच डॉक्टर अजय, आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे. वंडरफुल, आप खुद बहुत बेहतरीन ऑडियंस है बच्चे. आप इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ रहे हैं, है ना, एक भरोसा करके जुड़ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है. हम एक वर्चुअल तरीके से कनेक्टेड एक दूसरे से, फिजिकल
फिजिकली हम एक दूसरे के सामने नहीं है, आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, है ना, पर हम कभी मिल नहीं पा रहे. सो आप ट्रस्ट कर रहे हैं अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे, तो ये हमारे लिए भी एक गर्व की बात है. एंड इंशाल्लाह हम आपका विश्वास जो है वो पूरी तरह से बनाए रखेंगे और आपको आपके मकसद तक पहुंचने में जरूर मदद करेंगे. टेलीग्राम का ये बेहतरीन ऐप आपके सेलफोन में होना बहुत जरूरी है, इसके जरिए आप हमसे जुड़ पाते हैं. फिर से कहूंगा, जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, आप तक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस पहुंचेंगे. एक और चीज जो आपको बताना चाहूंगा, #NEETLIVEDAILY ये हैशटैग लगा करके हमारे लेक्चर्स को आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे शेयर कीजिए, वहां पे हम आपसे मिलेंगे, आपसे बातचीत करेंगे जी. इस हैशटैग के जरिए अगर हमने देखा कि आपने पोस्ट डाला हुआ है, सो आई विल रिप्लाई टू योर मैसेजेस डायरेक्टली. PDF इसके अभी के अभी अपलोड हो जाएंगे, इससे ज्यादा और कोई नोट्स की जरूरत नहीं है, जितना मैंने आपको ये दे दिया दिस इज मोर देन इनफ. लाइक एंड शेयर करना अब आप पे है, सो मुझे आपसे ये उम्मीद है कि आप लेक्चर्स को लाइक भी करते हैं और शेयर भी करते हैं एंड दूसरे लोगों को सजेस्ट भी करते हैं. कल से हम शुरू करने जा रहे हैं नर्वस सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. एक बहुत ही बेहतरीन जर्नी पे आपको ले चलूंगा, दिमाग के बारे में हम पढ़ेंगे. इतना कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, इतना कीमती ऑर्गन जो शरीर की बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर जाता है. सो कल आप मुझसे जुड़ना मत भूलिएगा, कल 4 बजे हम आपसे मिलेंगे. राइट जी, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये हमारे सिस्टर चैनल्स हैं, इंजीनियरिंग के लिए JEE, मेडिकल के लिए नीट का चैनल जिससे आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फाउंडेशन क्लासेस के लिए 9th and 10th के लिए भी हमारा अपना चैनल है. टाइम टेबल बता दूं, क्लास 11th के लिए हम आपसे मिलते हैं मंडे ट्यूजडे एंड वेडनेसडे, टाइमिंग्स 4, 5, 6. क्लास 12th के लिए फ्राइडे सैटरडे एंड संडे टाइमिंग सेम रहते हैं. ओके बेटा जी, चलिए अब आपसे विदा लेते हैं. नमस्कार. यस जी सर्वेश, इवन आई एम एक्साइटेड नेक्स्ट क्लास के लिए. गॉड ब्लेस यू. बाय बाय.